ट्विटर पे ग्रो करना चाहते हैं तो मैं आपको क्वालिटी बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी, क्वांटिटी पे जाना। लेट्स सी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्वास ब्लॉग। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप ट्विटर पे ग्रो कर सकते हो। आई नो आप में से बहुत लोग हैं जो ट्विटर को अपना मेन प्लेटफॉर्म मानते हैं और वहां पे बहुत अच्छे से ग्रो करना चाहते हैं, बट फॉलोअर्स नहीं आ रहे हैं। अब आ जाएंगे तो चलिए देखते हैं कि कैसे आएंगे आपके बहुत ही बढ़िया फॉलोअर्स। चीज है कि आपको रेगुलर पोस्ट करना है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि दिन में कितने पोस्ट करने चाहिए कितने नहीं। अगर वो डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरी जाके वीडियो देख सकते हो, लिंक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो रेगुलर पोस्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप रेगुलरली पोस्ट नहीं करोगे तो आप ट्रेंडिंग फीड से हट जाते हो। मतलब अगर आप ज्यादा रेगुलर नहीं हो ट्विटर पे, यही बात अगर किसी प्लेटफॉर्म पे करें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपको लग रहा होगा कौन सी नई बात बता रही हूँ, मैं यही बता रही हूँ कि आपको जरूरी है रेगुलर पोस्ट करना। कई बार आप सोचते हो कि नहीं मैं आज पोस्ट नहीं कर पाऊंगा, तो किसी और का पोस्ट उठा के रीट्वीट कर दो। मतलब इतना तो टाइम निकाल ही सकते हो ना कि कोई लिखने के लिए नहीं, बट रीट्वीट करने के लिए 1 सेकंड लगता है। बहुत इजी, आपके फीड पे बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी, आपको बहुत सारे पोस्ट दिख रहे होंगे जो आपको बेटर लगे, फटाफट 2-3 सेकंड लगा के रीट्वीट कर दीजिए, वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। दूसरा आता है आपका क्वांटिटी। हाँ जी, आपको क्वालिटी पे नहीं क्वांटिटी पे फोकस करना। क्वालिटी का मतलब ये नहीं है बिल्कुल ही छपरी वाली चीजें लिखोगे आप। मेरा मतलब यहाँ पे क्वांटिटी से ये है कि अगर आप दिन में अच्छे खासे पोस्ट करोगे तो, क्योंकि एक ना परफेक्ट टाइमिंग नहीं होता ट्विटर का। वैसे तो मैंने बनाई है, फिर भी अगर आप देखना चाहें तो लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। कोई परफेक्ट टाइमिंग नहीं है, आपको टाइम किस टाइम पे ग्रैब करनी है ऑडियंस, उसके लिए आपको पोस्ट कर करके देखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक तो क्वांटिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्वीट्स होते हैं बहुत छोटे छोटे, इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्वांटिटी, क्योंकि लिमिटेड वर्ड्स है, लिमिटेड वर्ड में ज्यादा तो लिख नहीं पाओगे, इसलिए ज्यादा क्वांटिटी पे ही फोकस करते हैं। ट्विटर वाले भी उन्हीं को अच्छी खासी फीड्स में दिखाते हैं, उन्हीं को ट्रेंडिंग में दिखाते हैं जो रेगुलरली पोस्ट करते हैं और अच्छी क्वांटिटी में भर भर के करते हैं। आपका ट्रेंडिंग हैशटैग्स। हैशटैग्स की बात मैंने आपसे पहले भी की थी एक बार। ट्रेंडिंग हैशटैग्स यहाँ पे मतलब है आपको ट्रेंडिंग सेक्शन तो पता ही होगा ट्विटर का, वैसे तो सारे ट्रेंड्स वहीं से शुरू होते हैं। तो वहां पे जितने भी ट्रेंडिंग हैशटैग है ना, आप ये ट्राई कीजिए जो टॉप 30 है उनमें से कोई उठा के उससे बनाने की कोशिश कीजिए। कम से कम टॉप 30 में से कम से 3 ट्वीट तो निकालिए आप। अगर वहां से 3 ट्वीट निकाल लिए आपने तो फॉलोअर्स गेन करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, आप बहुत अच्छे से ट्रेंड करोगे। अगर आपका एंगेजमेंट, एंगेजमेंट भी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं जितने बाकी पॉइंट्स। एंगेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपने पोस्ट कर दिया और एंगेजमेंट खत्म। एंगेजमेंट का मतलब ये है अपने फ्रेंड्स के उस पर कमेंट कीजिए, उनके साथ इंगेज कीजिए, वरना जो आपके फॉलोअर्स हैं उनको कभी रिप्लाई कीजिए, उनके साथ इंगेजमेंट। जितनी आपकी पोस्ट पे इंगेजमेंट बढ़ेगी ना, उतना ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप ट्रेंड करोगे, हो सकता है वायरल भी हो जाए आपको कोई ट्वीट। तो जितनी ज्यादा इंगेजमेंट रहेगी उतना ज्यादा आपको इजी रहेगा ट्रेंडिंग पेज पे आने के लिए। आते हैं कमेंट्स इंगेजमेंट। अब सोचो कि मैं यहाँ पे अब कौन सा नया पॉइंट बता रही हूँ, पहले भी तो बता चुकी हूँ। यहाँ पे अलग ये है कमेंट्स इंगेजमेंट से, यहाँ पे मतलब ये है कि आप ट्रेंडिंग पेज पे जाइए, वहां पे जाके देखिए जितने भी ट्रेंड कर रहे हैं, कोई भी ट्वीट उठाइए उनमें जाके देखिए, जिस पोस्ट पे कम सबसे कम लाइक्स होंगे या कम कमेंट्स होंगे ना, वहां पे जाके आप कमेंट कीजिए। नाइस, हेलो, हाय, जो हेलो हाय तो वैसे मैं प्रेफर नहीं करूंगी, बट नाइस, कोई सिंबल, कुछ भी आप वहां पे डाल सकते हैं। अगर वहां कमेंट करेंगे ना तो आपके दूसरे कमेंट से 80% ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपको फॉलो बैक करेंगे। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसको ध्यान अच्छे से रखना। सबसे ज्यादा मैक्सिमम फॉलोअर्स ऐसे ही आते हैं, कमेंट एंगेजमेंट से ही आते हैं। तो इस चीज को जितना जल्दी प्रैक्टिस में लाएंगे उतने ज्यादा आपके फॉलोअर्स गेन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रीट्वीट्स। आप सोचोगे रीट्वीट्स तो मैंने बताया था, रीट्वीट्स से यहाँ पे मतलब है आपने जो पोस्ट किया, अगर उनके जितने ज्यादा रीट्वीट्स बढ़ेंगे उतना ही ज्यादा आपको क्राउड एंगेजमेंट मिलेगी, उतना ही ज्यादा चांसेस है कि ज्यादा क्राउड, ज्यादा ऑडियंस आपके ट्वीट्स को देखेगा। तो जैसे आप कोई ट्वीट डालते हो, रिक्वेस्ट योर फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट योर फैमिली, रिक्वेस्ट योर लव्ड वंस की कम से कम वो एटलीस्ट उनको रीट्वीट कर। अगर आपके विद इन एन आर अच्छे खासे रीट्वीट्स आ जाते हैं तो उस ट्वीट को वायरल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ ही साथ
आप जानना चाहते हैं कि मैं YouTube की वीडियोस कैसे बनाती हूँ, कौन से इक्विपमेंट यूज करती हूँ, कौन सा मेकअप करती हूँ, उन सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएंगे। अभी मैंने लिंक्स देना शुरू किया है ताकि आप सबको बेनिफिट हो। अगर आप YouTube चैनल बनाना चाहते हैं तो और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको इससे। और अगर YouTube के रिगार्डिंग वीडियो भी देखना चाहते हो तो लिंक यहाँ पे दिख रहा होगा, उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।